never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. अभी आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो या ना पसंद आई हो तो कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो नाउ इट इज ओपन सेशन फॉर स्टूडेंट्स फॉर पेरेंट्स. आप कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. आपका क्या नाम है? मैं जब कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो यूथ से पूछता हूँ कि आप इंजीनियर या डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं. तो सर मेरी मदर कहती है कि मेरा कजिन क्योंकि डॉक्टर बन रहा है तो मैं इसलिए बनना चाहता हूँ. ये ट्रेंड भी आजकल यही है सर, सारे इंजीनियर बन रहे, ट्रेंड है. जब मैं गर्ल से पूछता हूँ कि आपने ये स्पेक्स क्यों लगा रखा है, सर ट्रेंडिंग है. ये ड्रेस ऐसी क्यों पहन रखी है, आपको अच्छी तो नहीं लगी, सर ये ट्रेंड में है. व्हाट इज ट्रेंडिंग? ये ट्रेंडिंग क्या है? ट्रेंडिंग है भीड़ में शामिल होना. जो भीड़ कर रही है वो हम उसमें शामिल हो गए. और आप जानते हैं कि भीड़ शब्द कहां से बना है? भेड़ से. भीड़ भेड़ों की होती है. एक भेड़ अगर आगे चलती चलती कट जाए ट्रेन के नीचे तो सारी भेड़ कटती है, आप जानते हैं. भेड़ का कोई, लेकिन शेर क्या है? शेर क्या है? शेर जंगल में अकेला रहता है और दूसरों की मर्जी से नहीं चलता और अपनी अकेली दहाड़ से जंगल को कपाता है. वो ट्रेंड सेटर है. आप युवक जो है, मैं कहता हूं ट्रेंडिंग में न जाकर ट्रेंड सेटर बनिए. यही मेरा संदेश है युवकों को. बी ट्रेंड सेटर, लिव लाइक लायन. भेड़ की तरह ना जिए, शेर की तरह जिए. यही संदेश है. थैंक यू. और कोई? कोई भी काम मुश्किल है, हर काम बहुत आसान है और कोई भी काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सा काम ऐसा है जो मुश्किल है और उसे कैसे आसान बना सकते हैं. देखिए वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग परिभाषा है, उसके लिए क्या काम है, क्या मुश्किल है, क्या आसान है. लेकिन मेरे दृष्टिकोण से अगर देखें तो जीवन में सबसे मुश्किल काम है यदि आपके पास कोई ऐसी बुराई घटना हो रही है, कोई किसी का शोषण हो रहा है, कोई भी इविल हो रहा है, तो आप उसका विरोध करें, सच बोलें, अच्छे को अच्छा कहें, खराब को खराब कहें, उसका विरोध करें अपनी क्षमताओं में रहें. ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप शास्त्रों का संदर्भ में बात करूं तो रामायण में जब सीता हरण हो रहा था तो जटायु ने रावण का विरोध किया. जटायु की क्या औकात थी? एक पक्षी था और रावण ने उसके तलवार से पंख काट दिए, लेकिन उसने विरोध किया रावण का कि आप गलत कर रहे हैं, सीता हरण कर रहे हैं. और इसका फल उसे क्या मिला? उसका अंत जीवन का भगवान की गोद में हुआ. उसका कारण था कि उसने बुराई को रोकने की कोशिश की, कताई से. और अगर इसी तरह से 22 वर्ष अगर आप महाभारत में देखें तो जो भीष्म पितामह है गंगा पुत्र, वो द्रौपदी के चीर हरण के समय चुप रहे. उन्होंने विरोध नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं, और उनकी खामोशी का उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, उनके मृत्यु कांटों की मौत शैया पर. आप डिफरेंस देखिए, विरोध करने वाले अल्टीमेटली कैसे जाते हैं और खामोश रहने वाले कैसे जाते हैं. इसीलिए ये थॉट में विवेकानंद ने कहा शायद कि समाज में बुराइयां इसलिए नहीं है कि बुरे लोग हैं, बल्कि बुराइयां इसलिए हैं कि बुराई के समय अच्छे लोग चुप रहते हैं जिन्हें बोलना चाहिए. इसलिए मेरे लिए सबसे मेरी नजर में सबसे मुश्किल काम है आप विरोध करें जो गलत हो रहा है,
अपनी क्षमताओं की परवाह किए बगैर, और 22 वर्षा सबसे आसान काम आपने पूछा है तो आप फंसेंगे मेरी नजर में। जो आसान काम है वो है चापलूसी। चापलूसी के लिए किसी स्किल की जरूरत नहीं है, झूठी तारीफ करना चापलूसी माना जाता है। मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि सच्ची तारीफ करें, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, झूठी नहीं। और आजकल हालांकि सस्ती स्किल से भी लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में ये सबसे आसान काम है चापलूसी करना, और मुश्किल काम है अपने पास घटती हुई गलत घटनाओं का विरोध करना। गुड आफ्टरनून सर, आई हैव अ क्वेश्चन कि अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें और नेगेटिव थॉट से अपने आप को हमेशा के लिए कैसे दूर रखें। गुड क्वेश्चन, ये सभी से संबंधित है। आप ये ना समझे कि ये क्वेश्चन इन्होंने किया है, आज प्रत्येक व्यक्ति इस प्रॉब्लम से, इसका एक ही बहुत आसान सूत्र है कि आपके पास जो है उसे देखें, जो आपके पास नहीं है उसे ना देखें। और अगर आप देखें, आप कहते कि मेरे पास तो है ही कुछ नहीं, मैं क्या देखूं। आप हर व्यक्ति के पास इतना कुछ है, अगर वो देखना चाहे अपने आप को, आपकी बॉडी इतनी रहस्यमय है, मिस्टीरियस है, जो मुफ्त में मिली है आपको। आपके सांस एफर्टलेस नहीं चल रहे हैं, आप सुबह उठ के किसी को बयान थोड़ा देते हो कि आज मेरा सांस चलता रहना चाहिए। आपका सांस चलता है, आप देखने लगते हैं, आपका परिवार है साथ में, इस सारी बॉडी को देखेगा। आपने रात को खाना खाया था, सुबह सब खून इत्यादि बन गया, ये कौन सी फैक्ट्री है, कितना में मिली आपको, आप करोड़ों रुपए में ऐसा प्लांट लगा सकते हो। इसके अलावा आप सूर्य को देखिए, फूलों को देखिए, अपने पास चहचहाती हुई चिड़ियों को देखिए, कितना कुछ है आपके पास। लेकिन हम छोटी छोटी समस्याओं को लेकर सोचते हैं कि यार मेरा लड़का मेरी बात नहीं मान रहा, इसे सोच के निगेटिव हो जाते हैं। बहुत सारे आप में मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे एसिडिटी बनती है, इसे सोच के आप निगेटिव हो जाते हैं। आप हॉस्पिटल का चक्कर लगाइए, आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि जब जब आप निगेटिव हो, या तो आप हॉस्पिटल में चले जाएं 10 मिनट के लिए, देख के आए शमशान घाट में चले जाए, तो आप वहां से बहुत पॉजिटिव होकर निकले, क्योंकि मैं कितना सुखी हूं। किसी फिलोसफर ने कहा कि यदि हम सभी अपनी खुशियों और दुखों को एक्सचेंज करने के लिए टेबल पे बैठ जाएं और अपनी पर्चियां लिख लें और वहीं पर्चियां खोल लें, तो सभी उठ जाएंगे, कहने लगे मेरी मेरे पास ही ठीक है, दूसरों के दुख बहुत है, दूसरों के दुख देखो तो अपने कम लगते हैं। तो पॉजिटिव होने के लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, जो आपके पास है उसे देखे कि वाह क्या भगवान ने मुझे दिया। बिल्कुल सही। आज आप कोई बुक उठाओ, बुक स्टॉल से या वीडियोस देखो कोई मोटिवेशनल, तो सक्सेस वाले यही पाठ पढ़ाते हैं कि बड़ी गाड़ी आ जाएगी आपके पास, बड़ा घर आ जाएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटस को एक सक्सेस की परिभाषा बना दिया गया। आप भी अपने माइंड में यही सोचते होंगे कि जब बड़ी गाड़ी ले लूंगा तो मैं सक्सेस, लोग मुझे मानेंगे। पहली बात तो सक्सेस वो नहीं है जो लोग देखते हैं आपको। अगर ऐसा होता तो सभी बड़ी गाड़ी वाले लोग, सभी अमीर लोग, आपने देखा सोसाइटी क्यों करते हैं, डिप्रेशन ज्यादा अमीर लोगों को है। तो मैं तो फाइनेंशियल सक्सेस को सक्सेस नहीं मानता। मेरा मानना है आपकी बात का जवाब देते हुए कि हमारी जो जिंदगी की भव्य इमारत है, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है लाइफ की, इसके 5 पिलर्स हैं। पहला हेल्थ, सेकंड हमारी फैमिली, थर्ड हमारा व्यापार फाइनेंशियल लेवल, और फोर्थ सोसाइटी, जिस समाज में हम रहते हैं ये सोसाइटी है, ये सर्कल है, एंड फिफ्थ इज हम खुद। इन सारी बातों में अगर संतुलन बना लेना मेरी राय में सफलता है। इस एक पैरामीटर में यदि आप व्यापार करते जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं, उधर बीमार हो गए, और जो व्यापार में पैसा कमाया था फिर सारा आपके हेल्थ को ठीक करने में लग गया, तो ये सक्सेस नहीं मानी जाएगी। आप अगर संतुलन बना लेते हैं तो आपको एक फील आएगी, और आपको जब फील आएगी आप तभी सक्सेस माने जाएंगे। लोग आपको कहते रहे सक्सेस और आप डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में चले, दैट इज नॉट सक्सेस। सक्सेस कोई डील नहीं है, एक फील है जो आप फील कर रहे हैं, और वो तभी आएगी जब आप संतुलन बना पाएंगे।
गुड आफ्टरनून सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैंने आपके काफी सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे हैं फ्रेंडशिप पर, कि जिनकी लाइफ में फ्रेंडशिप नहीं होती क्या उनकी लाइफ नहीं होती? आप कहते हैं कि फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए। गुड क्वेश्चन। हम सभी कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ जब दोस्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं खुश भी होते हैं, डिप्रेस भी होते हैं। तो सवाल आपका बहुत अच्छा है कि फ्रेंड्स के बिना क्या जिंदगी नहीं होती। एक फिलोसोफर ने लिखा है कि वी कैन नॉट चेंज रिलेटिव्स बट वी कैन चेंज फ्रेंड्स। आप अपने पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, ब्रदर को चेंज नहीं करते, सिस्टर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको पसंद ना आए तो फ्रेंड्स आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आपका सवाल यह है कि फ्रेंड्स के बिना जिंदगी नहीं चलती? चलती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका सर्कल नहीं है, कोई फ्रेंडशिप नहीं है। लेकिन मैं आपसे इस सवाल के बदले एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप दाल रोटी से खाना खाते हैं तो क्या पेट नहीं भरता? दाल रोटी फुला दू, लेकिन जब दाल रोटी के साथ आपके पास पापड़ सलाद और अचार आ जाता है तो भोजन और स्वाद हो जाता है। तो दोस्त भी हमारी जिंदगी के पापड़ सलाद और अचार चटनी है, जिससे हमारी जिंदगी का टेस्ट और बढ़ जाता है, हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उससे हमारी जिंदगी का लेवल बढ़ता है, स्वाद होता है, वी फील रिच विद अवर फ्रेंड्स। तो हमारे दोस्त जो है हमारी जिंदगी के पापड़ अचार और चटनी जो हमारी जिंदगी को और टेस्टी बना देते हैं। सर आपकी राय में सर लाइफ को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हैप्पीनेस के? ये भी क्वेश्चन सभी का है, इनका पर्सनल नहीं है। हम सभी खुश रहना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो खुश ना रहना चाहता हो? हाथ उठा के मतलब कर लेंगे मैं तो दुखी रहना चाहता हूँ। आप दुखी रहना चाहते हैं? कितने लोग खुश रहना चाहते हैं? बड़े कम लोगों ने उठाया। मेरे क्या कुछ दुखी भी रहना चाहते हैं? कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं जो ये कहे कि मैं खुश नहीं रहना चाहता हूँ। आपके क्वेश्चन को सुन के मुझे अपनी 6th और 7th स्टैंडर्ड की एक पोयम याद आई, उसकी दो लाइनें हैं मुझे याद है, वो आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं कि वर्क व्हाइल यू वर्क एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड फुल। आपने पढ़ी है ये? मेरी उम्र के लोगों ने पढ़ी होगी। मैं एक बार पुनः अपनी बात को समाप्त करते हुए खालसा पब्लिक स्कूल सहारनपुर के अति सहकारी प्रिंसिपल गोविंदर सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ, वंशिका मैम, गार्गी मैम और तमाम स्टाफ मेंबर्स का, और सुरेंद्र चौहान जी का हमारे साथ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मेरी बात को बहुत थैंक यू।